तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है महाशिवरात्रि का है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कारसर पहुंच गया हूं और यहीं पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहीं की जो शिवरात्रि की महाउत्सव है जो कितने धूमधाम से ताबड़तोड़ तरीके से होता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और कुछ ऐसे जानकारी है जैसे दुख कष्ट जितने भी कुछ ऐसे पांगन नासन जो भी रहता है यही सब चीज़ का निवारण होता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दिखाऊँगा बताऊँगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यही कांसर की जो शिवरात्रि है पूरे 3 दिन तक चलते रहता है और आज पूरा मतलब स्टार्टिंग है। और आप लोगों को बता दूं यही 3 दिन तक पूरा धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाता है, बढ़िया तरीका से पूरा टेंट वेंट लगा के पूरा ताबड़तोड़ तरीके से यहीं का शिवरात्रि मनाया जाता है। और दोस्तों, यहीं पे खाने पीने की भी पूरे 3 दिन तक पूरे धूमधाम से खाने पीने की फुल व्यवस्था किया जाया रहता है। कलश यात्रा के लिए लोगों का आना स्टार्ट हो गया है, धीरे 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 यहाँ का भीड़ जो है पूरा बढ़ते जा रहा है। सभी लोग आने के पश्चात यहीं के जितने भी सभी लोग हैं कलश की यात्रा के लिए नदी की ओर चल दिए हैं।
लोगों को बता दूं कि यहीं पे दोस्तों कांसर में मतलब कि सोमवार के सोमवार नागेश्वर भगवान चढ़ते हैं, जो काफ़ी लोगों के दुख कष्ट दूर करते हैं। मैं खुद यहीं 2 सालों से आ रहा हूँ और यहीं पे दोस्तों माना जाए तो हर एक इच्छा पूरी होती है। और मतलब यहीं जो भी जितना भी दुख कष्ट रहे सब दूर होता है यहीं पे। जितना भी आप लोग वीडियो के साथ साथ सब यहीं का जो जितने भी है भगवान कैसे चढ़ते हैं आप लोग सब देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग घर बैठे ही यहीं की जो शिवरात्रि का महाउत्सव है वो भगवान जी जिसे चढ़ते हैं, मैं उन सबको आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे तांडव करके कैसे नदी के उस पार से मतलब ऐसे रेंगते हुए सांप के जैसे रेंगते हुए चलते हैं। आप लोगों को देख के पूरा हैरानी होगा कि कितना भयानक लगता है जब उतना नदी के उस पार से जब ऐसे रेंगते हुए पूरा मंदिर का 2-3 राउंड लगा के फिर मंदिर के अंदर घुस के पूरा माइंड ब्लोइंग है दोस्तों यहीं का जो शिवरात्रि है। और जो पीछे में है उन्हें विष्णु भगवान चढ़ते हैं और जो आगे में है उन्हें नागेश्वर भगवान चढ़ते हैं, जो कत ही परले रूप में चढ़ते हैं पूरा नदी से दोस्तों। पूरा वैसे ही जैसे सांप रेंगते हैं ना दोस्तों, उसी स्टाइल में रेंगते हुए मंदिर को 2-3 राउंड लगा के अंदर जाते हैं। आप लोगों को बताया था कि दोस्तों यहीं की जो भगवान चढ़ते हैं चढ़ने के बाद यहीं 2-3 राउंड लगा के मंदिर को 2-3 तो नहीं लेकिन पक्का 3 राउंड लगा के अंदर घुसते हैं। ये 3रा राउंड है, इसके बाद वो अंदर में घुसेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, कैसे लग रहा है लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राउंड पूरा हो जाने के बाद दोस्तों यहीं अंदर आके बैठ गए हैं। अब जितने भी दर्शक लोग थे बंधु लोग थे सब लोग एक एक करके प्रणाम करेंगे और अपने अपने जितने भी दुख कष्ट हैं सब उनको मतलब बताएंगे और धीरे 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 उनका सब दुख कष्ट दूर करेंगे। यही सोमवार के दिन पूरा भीड़ लगा रहता है, पूरा रात हो जाता है। यहीं पर दोस्तों नाइट हो गया है, अब मिलता हूँ मैं सुबह। अब सुबह होने के बाद दोस्तों यहीं की जो माहौल है आप लोग देख सकते हो
टेंट वेंट लगा के कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है, देखने में कतई लाजवाब लग रहा है। आप लोग भी यही को दोस्तों एक बार जरूर आओ और यहीं से जो भगवान का दर्शन है एक बार जरूर करके जाओ। पर ध्यान रख के भाई, आप लोग अगर शादी बिना शादीशुदा वाले हो ना तो यहीं पे अगर आओगे तो आप लोगों को पूरा जितने भी पोल चिट्टी है सब खुल जाएगा, क्योंकि यहीं पे जितने भी बिना शादीशुदा वाले लड़की या लड़का आते हैं ना उनका पूरा पोल चिट्टी सब खोल देते हैं भगवान जी। क्योंकि यहीं मैं खुद 2 साल से आ रहा हूँ, कौन किसके साथ कैसा होता है, किसके साथ क्या होता है, मेरे को अच्छी तरह पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब कि भगवान भी सोचते होंगे अगर कुंवारी लड़की अगर यहीं पे अगर पूजा करने आती होगी तो भगवान भी सोचते होंगे अरे मैं इसको कौन सा लड़की मतलब लड़का दूँ, वैसे सोच के भगवान भी परेशान हो जाते होंगे, पूरा दिमाग ख़राब है दोस्तों। अगर यहीं पे आओगे ना तो यहीं की अगर स्टोरी लोग सुनोगे आप लोग तो आप लोगों को यहीं से जाने का मन ही नहीं करेगा, हर रोज़ आने के लिए मन करेगा। सोमवार के सोमवार आओ और पूरा वैसे कथा सुनते रहो। महाशिवरात्रि में जितने भी लड़कियां उपास रहती हैं और शिव भगवान का पूजा करते हैं तो वो लोग तो ज़रूर मन में कुछ ना कुछ रख के ही पूजा करते होंगे, जैसे मेरे को एक अच्छा लड़का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान भी सोच के परेशान हो जाते होंगे कि मैं इसको कौन सा लड़का को दूँ और किससे शादी करवाऊँ। पूरा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ये कहने लिए लायक बात है। चलिए इस बात को यहीं पे एंड करते हैं और आगे देखते हैं भगवान जी कैसे करते हैं, कैसे कैसे तांडव करते हैं। तो चलिए वो सब चीज़ देखते हैं वीडियो के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है नहीं मान रहे हो जिसे तो उसे दे दूंगा पिता, और किसे दूंगा। मैं चढ़ाऊंगा नागेश्वर धाम में पुत्री को जो भी है निवारण कर दूंगा, ठीक है। नागेश्वर धाम निकलने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, मैं आपका दर्शन दूंगा माता, मैं चढ़ाऊंगा, ठीक है। भगा दूंगा वही नागेश्वर धाम में, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ टाइम हो चुका है, 12 से 12 हो चुका है, ठीक है। नागेश्वर धाम में मैं दर्शन दे रहा हूँ माता।
तीसरा दिन दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं यहीं पे जो मेरा मामा का एक शादी था तो मैं एक हफ्ते से आ गया था और मेरे को यहीं कांसर में 3 दिन पहले से ही आने के लिए बोले थे तो मैं 3 दिन पहले यहीं पे भी आ गया था। तो दोस्तों अब वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर दबा के कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों क्योंकि सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।